અમદાવાદ ખાતે એનસીસી ડાયરેક્ટરોરેટ ગુજરાત વર્ષ 2022-23ના વિશિષ્ટ કેડેટ્સને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતમાં 2022-23ના એનસીસી કેડેટ્સનું કરાયું સન્માન. વર્ષ 2022-23ના તાલીમ કાર્યક્રમોની પરાકાષ્ઠા પ્રસંગે મેનેજર જનરલ અરવિંદ કપૂર, એડીજી એનસીસી ગુજરાત દાદરાનગર હવેલી દીવ દમણ દ્વારા એનસીસીના વિશિષ્ટ કેડેટ્સનું સિદ્ધિઓનું અમદાવાદ ખાતે કરાયું, જેમણે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું અને ગુજરાત રાજ્યનું નામ રોશન કર્યું. આજે અમદાવાદના લો ગાર્ડન ખાતે એનસીસી ગ્રુપ હેડક્વાર્ટર ખાતે સમારોહ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ અગાઉ એક સમારોહ 4 ફેબ્રુઆરી 23ના રોજ રાજભવન ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ એટ હોમ ફંક્શનની આગળ સિક્વલ હતી, જેમાં ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે વિવિધ એનસીસી પ્રવૃત્તિઓમાં શ્રેષ્ઠ કેડેટ્સ અને વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓનું સન્માન કર્યું હતું. ગુજરાત ડિરેક્ટોરેટમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર એનસીસી ગ્રુપ હેડક્વાર્ટરને ઇન્ટર ગ્રુપ ચેમ્પિયનશિપ બેનર એનાયત કરવાનો નવો અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો. અમદાવાદના લો ગાર્ડન ખાતે આયોજિત સમારોહ દરમિયાન મેજર જનરલ અરવિંદ કપૂર, એડીજી એનસીસીએ આત્મનિર્ભર ભારત કા સફરનો સંદેશ આપતા દાંડીપથ સાથે સમરપતિથી દાંડી સાયકલ રેલીમાં સ્વૈચ્છિક અને ભાગ લેનાર એનસીસી કેડેટ્સનું વિશેષ સન્માન કરાયું. સ્વાવલંબનની કી ઓર અને આત્મનિર્ભર ભારત કા સોલ્ટ સે સોફ્ટવેર કા સફરનો સંદેશ આપતી દાંડીથી દિલ્હી મોટરસાયકલ રેલી, બંને રેલીઓનું આયોજન જાન્યુઆરી 2023માં એનસીસીના 75 વર્ષ નિમિત્તે કરવામાં આવ્યું હતું, જેને સમગ્ર રૂટમાં લોકો તરફથી અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ અને સમર્થન મળ્યું હતું. જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં ચારિત્ર નિર્માણ અને નેતૃત્વના એનસીસીના ધ્યેયોને આગળ ધપાવતા ગુજરાત એનસીસી ડિરેક્ટોરેટ ઘણી પહેરે કરે છે અને ઘણી પહેલ કરી છે અને નવીન પદ્ધતિઓ પણ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં કેડેટ્સ દ્વારા ઇચ્છુક ભાગીદારી, યોગદાન અને શ્રેષ્ઠતાના સ્વરૂપનુંમાં ફળીભૂત થઈ શકે છે. મહાનિદેશક ગુજરાત દાદરાનગર હવેલી દમણ અને દીવ નિદેશાલય કો સ્ટેજ પર આને કા નિમંત્રણ દૂંગી તાકી વે પુરસ્કાર પ્રદાન કર હમારે કેડેટો કા હોસલા અફઝાઈ કરે. पिछले साल हमारे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भी पहचाना और हमको जो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मिला था वो आप सब लोगों के काम की वजह से मिला. कोविड टाइम्स में जो बढ़िया काम किया है आपने, #1 में 100 के लिए जिसके 14 फेजेस खत्म हो गए हैं, वो भी कल घानेकर ने आपको बताया, बहुत बढ़िया काम हुआ है उसमें और हो रहा है साथ में. सो आने वाले टाइम में हम इन फेजेस को और आगे ले जाएंगे, सोशल कॉजेस को ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हम 70,000 इकट्ठे हैं एक जगह पर 5 ग्रुप्स के अंडर पूरे गुजरात में, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अच्छा काम करके. आज हम फाइनेंशियली भी बहुत बेहतर हैं. ये जितने भी अवार्ड्स आपने देखे, कुछ अवार्ड मैंने प्रॉमिस किए थे रैली के अंदर 5,000 रुपीज, बट एवरेजली हर एक कैडेट को आज 2,000 रुपीज का अवार्ड दिया गया है. इसके साथ में आपके ग्रुप कमांडर्स को जो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं उसके अंदर रेंजिंग फ्रॉम 60,000 टिल अबाउट 80,000 के अवार्ड उन सर्टिफिकेट्स के अंदर है. सो जितना भी ये स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं, ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो काम आपने पिछले 2 सालों में करके दिखाया है उसका रिकग्निशन है. सो ये काम हमने इसको बेहतर रखना है. ये रेंज ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज के अंदर आप जहां पर भी हो, जिस तरीके से भी हो, मैंने गवर्नर साहब को 2 एग्जाम्पल्स दिए थे जो कि मैंने पर्सनली देखे हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको फिर से देना चाहूंगा कि किस तरीके से कोविड टाइम में एक बुजुर्ग माताजी जो चल नहीं पा रही थी, हमारे एक कैडेट ने उनको कंधे पे ले जाके उनका कोविड वैक्सीनेशन दिलवाया. और दूसरा जो मैंने खुद देखा था राजकोट जाते वक्त, एक कैडेट जो बस में बैठा हुआ था यूनिफॉर्म में, उसके पास विसल थी किसी कारण से उसकी पॉकेट में, उसने देखा कि ट्रैफिक जैम है, मेरी कार को नहीं देखा उसने, मेरी कार को 15-20 कार पीछे खड़ी हुई थी, उसने ट्रैफिक जैम देखा, अपने आप बस से उतरा, वो विसल के साथ में उसने 3-4 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम वहां से हटा दिया.
सो ये चीजें हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। आप किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं, आप एक हैं। तो जैसे मैंने वो हैशटैग बनाया था, एक मैं 100 के लिए, आप 100 के बराबर हैं। और 70,000 कैडेट्स अगर ये डिसाइड कर लें कि मैं 100 के बराबर हूं या 100 लोगों की इम्प्रूवमेंट मैं कर। मेजर जनरल अरुण कपूर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी डायरेक्टर गुजरात दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, मिसेस सरिता कपूर, मिसेस निर्मला राठौर डीडीजी, ऑल ग्रुप कमांडर्स, स्टाफ एंड मोटिवेटेड कैडेट्स, आप सबका आज के फेलिसिटेशन फंक्शन में स्वागत है। मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि आज का मौका जो मुझे मिला है, आप सबको पिछले ट्रेनिंग वर्ष 2022-23 में जितनी भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज हुई है उनके बारे में मैं आपको अवगत करा सकूं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें आप सब ने भाग लिया होगा और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। 2022-23 का ट्रेनिंग वर्ष अप्रैल से शुरू हुआ और सबसे पहले मैं बात करूंगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है और इसके दौरान हमने 103 CATC कटअप किए जिसमें करीब 35,000 कैडेट्स ने भाग लिया। CATC के अलावा जितने भी सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स हैं जिसमें हम बात करें, सबसे पहले तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप्स जिसमें करीब 550 कैडेट्स ने भाग लिया। इस साल हमारी पेरिंग थी उत्तराखंड डायरेक्टरेट के साथ में और जिनके पेरिंग के साथ में हमारे कैडेट्स गए उत्तराखंड में दो जगहों पर, चंबा और रानीगंज में, जहां पे उन्होंने इस कैंप का एक्सपीरियंस पाने का अवसर मिला। इसके अलावा उत्तराखंड के कैडेट्स भी हमारे पास आए थे सितंबर में और जो कैंप EBSB कैंप हुआ था यहीं लॉ गार्डन में अहमदाबाद ग्रुप के तहत। इसके अलावा स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स भी हुए हैं जिसमें हमारे करीब 40 कैडेट्स ने भाग लिया और अलग अलग जगहों पे गए, रेंजिंग फ्रॉम काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, नगरोटा जो कि जम्मू में है और बीकानेर जो कि राजस्थान में है। Ready, go. SCC Amipara Mansi. सलील भाई जोशी, 2 गुजरात गर्ल्स बटालियन NCC। कैडेट टोगाडिया प्रिंसी, 2 गुजरात गर्ल्स बटालियन NCC।
रेडी गो। एससीसी अमीपारा मानसी। अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी निदेशालय गुजरात गुजरात दादरा नगर हवेली दमन और दीव के सभी अधिकारियों का पूर्व तथा सभा में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और सलील भाई जोशी टू गुजरात गर्ल्स बटालियन उपस्थित सभी एनसीसी उनके उत्तम भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और आज के कार्यक्रम में मौजूद कैडेटों को उनकी शुभ उपलब्धि पर बधाई। कैडेट टोगाड़िया प्रिंसी टू गुजरात गर्ल्स बटालियन एनसीसी। सकुशल पूरा किया। इंटर ग्रुप चैंपियनशिप बैनर के विजेता और फर्स्ट पोजीशन पे हैं राजकोट ग्रुप।
आने वाले कुछ दिनों में आप अपने सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स, बी सर्टिफिकेट एग्जाम्स और उसके बाद आशा करता हूं कि आपने अभी जो सुना वो आप अपने सर कैडेट्स को बताएंगे और अपना परफॉर्मेंस और ऊपर करेंगे। धन्यवाद। Once the ADG sir arrives, I'll ask you all to write. At that time, you all will be needed to write. On silent mode. Live with the Java also.